हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन सिंह है। आज हम क्या सीखेंगे क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि लाइनक्स इंस्टेंस और विंडोज इंस्टेंस को वेब सर्वर बना के ELB में कैसे लॉन्च करेंगे। एक ही ELB में दो इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, एक लाइनक्स रहेगा और एक आपका विंडोज रहेगा। ठीक है, वेब सर्विस में इंस्टॉल करना है। ओके, उसके लिए सबसे पहले हम लोग, ये मेरा डैशबोर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे EC2 में। EC2 में मैं गया। EC2 में जाने के बाद मेरे पास ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से एक इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ और एक लॉन्च करता हूँ लाइनक्स और विंडोज़। ठीक है, लॉन्च करता हूँ मैं एक लाइनक्स इंस्टेंस में लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें सेलेक्ट किया, फिर आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ये डिफ़ॉल्ट है VPC, यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ ताकि पता चले। फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाइनक्स। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, लाइनक्स नेक्स्ट करने के बाद एक नया क्रिएट करता हूँ। सेटिंग में मेरा कुछ है क्या? कुछ नहीं। हाँ, एक वेब है मेरा, अगर मैं सिक्योरिटी में करता हूँ तो भी एक वेब मेरा पहले से पड़ा हुआ है, वेब टेस्ट। इसमें सारे इनेबल है, देख सकते हैं। एच 80 पोर्ट इनेबल है HTTP का और 20 पोर्ट इनेबल है मेरा। इन दोनों को मैं करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं इसको लॉन्च करता हूँ। लॉन्च में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक नया करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नया क्या करूँ मैं, वेब नाम लिखता हूँ, वेब टेस्ट नाम का एक क्रिएट करता हूँ कि वेब टेस्ट में मैंने क्लिक किया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद लॉन्च करूँगा। लॉन्च करने के बाद इसको मैं करूँगा व्यू इंस्टेंस। व्यू इंस्टेंस में अब ये रनिंग हो रहा है, होने दीजिए इसे रनिंग, हम थोड़ा वेट करते हैं इसका। ठीक है, वेट करते हैं, तब तक हम लोग एक विंडोज़ का भी लॉन्च कर देते हैं। ट्रायल में जाता हूँ मैं, ट्रायल में मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2008 लेता हूँ सर्वर, 12 भी ले सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2008 मेरा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 2008 लेता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना 2A लिया था मैंने लाइनक्स के लिए, 2B लेता हूँ मैं, या फिर 2A भी आप ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ विंडोज़। विंडोज़ लिखने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपका मैं ले लेता हूँ वेब, मेरा पहले से ही है, मैंने एक बना के रखा हुआ है। इसको लॉन्च सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। उसने मेरे को एरर दिया है 3389 का, RDP मेरा कनेक्ट नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, फिर मैं लॉन्च करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ आपका वेब टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ, जो मैंने लाइनक्स में बनाया था, सेलेक्ट किया था उसी को मैं करता हूँ। उसके बाद मैं व्यू इंस्टेंस में जाता हूँ। व्यू इंस्टेंस में जाने के बाद अब ये दोनों लॉन्च हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके जो मैंने सेलेक्ट किया था सिक्योरिटी, जिसमें पोर्ट में को हमें इनेबल करना पड़ता है, तो ये मेरा वेब है। वेब में जाके मैं इसमें इनबाउंड में जाता हूँ। इनबाउंड में जाके RDP मैं इनेबल करता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा 80 और 22 है, तो मैं इससे आपका वेब चला सकता हूँ और SSHC से मैं अपना लाइनक्स को चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड रोल में क्लिक करता हूँ, एडिट में जाके ऐड रोल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा RDP, RDP में यहाँ पर मैं एनीवेयर में क्लिक करता हूँ और ये आपका सेव करता हूँ। ओके, मैंने सेव कर लिया ये। अब मैं देखूँगा यहाँ पर मेरा 3389 मेरा आ गया। ओके, अब मैं जाता हूँ इंस्टेंस में। इंस्टेंस में अभी ये मेरा रनिंग में है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तब तक मैं ELB क्रिएट कर देता हूँ, लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ। इलास्टिक लोड बैलेंसर में मैंने क्लिक किया, उसके बाद खुल गया समथिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ELB आपका मैं आपने क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पर क्रिएट ELB, यहाँ पर मैं क्लासिक लूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, फिर यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, मैं ELB देता हूँ नाम। उसके बाद VPC आपका जो रहेगा इंस्टेंस में, वो आप VPC दे दीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद सिक्योरिटी में मैंने वेब में क्लिक करता हूँ। वेब में मेरे सारे पोर्ट इनेबल है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ,
फिर उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दो इंस्टेंस है, दोनों इंस्टेंस को मैं लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, मैं ए और बी दे रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्रिएट हो गया, मेरा ई एल बी भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इंस्टेंस में और इसको मैं पहले वेब सर्विस में इसमें इनेबल करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैंने क्रिएट किया था पहले की, उसको मैं पहले कन्वर्ट करता हूँ की जेन से। लोड में किया, यहाँ पर जाके वेब में क्लिक करूँगा, वेब टेस्ट आ गया मेरा, ओपन किया, ओके, सेव, यस, और वेब टेस्ट में क्लिक किया, और पैम हटा दो आप। पैम हटाने के बाद आप इसको सेव करिए, ये पीपीके में सेव हो जाएगा, ओके। फिर मैं लाइनेक्स में इसको कॉपी करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी। फिर पुट्टी खोलूँगा मैं, पुट्टी में मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है पब्लिक आईपी। यहाँ पर मेरा जो की है वेब टेस्ट, उसको मैं डालूँगा वेब टेस्ट पीपीके। पीपीके फाइल आपका लाइनेक्स लेता है, ओके किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद ये पूछेगा सिक्योरिटी के लिए, यस कर दीजिए। EC2 -user मैंने डाला। अब मैं क्या करूँगा, HTTP में इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए पहले मैं sudo कमांड मारूँगा, जिससे मैं रूट में आ जाऊँ। sudo sudo -i, मैं रूट में आ गया। यहाँ पर yum install httpd -y, ताकि ऑटोमेटिक होता है। फिर सर्विस httpd स्टार्ट, ताकि सर्विस मेरी स्टार्ट हो जाए। और दूसरा कमांड है chkconfig चेक कॉन्फिग स्पेस httpd ऑन, ताकि अगर मेरा ये सर्वर रिस्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। ओके, मेरा काम हो गया। अब दूसरा काम है मेरा कि अपना एक इंडेक्स बनाऊंगा, index.html में अपना मैं लिखूंगा, ताकि आपको पता चले कि मेरा साइट कौन सा ओपन हुआ है, ठीक है। उसके लिए मेरा कमांड है cat space greater than space, फिर मैं /var में जाऊंगा। var में आपका फाइल रहता है, www में आपका फाइल रहता है, html करके टैब दबाइए, आपका फाइल ये खुल गया। उसके बाद index.html मैं ये टैप करूँगा, फिर एंटर। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर hello hello linux, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा linux का सर्वर है। और एंटर मार के खाली स्पेस में हमें Ctrl+D, हमारा सेव हो गया। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद ये मेरा लाइनेक्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इसका पब्लिक आईपी को, और मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि भाई ये चल रहा नहीं चल रहा। तो फिर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ये रनिंग में है, ठीक है, ये हमारा चल रहा है, हेलो लाइनेक्स चल रहा है। अब बारी आ गई है पुट्टी को, मैं क्लोज कर देता हूँ, ये इसका काम हो गया, वेब सर्वर हमारा इनेबल हो गया, रन हो गया। अब मैं जाऊँगा विंडोज़ में, विंडोज़ में जाने के लिए विंडोज़ में मैं सिलेक्ट करके कनेक्ट में क्लिक करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक कॉपी। कॉपी करने के बाद स्टार्ट R दबाऊँगा और MSTSC माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विस में मैं क्लिक करूँगा। इसमें क्लिक करके यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करूँगा, जो भी आपका पब्लिक आईपी है जिसको आप कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एडमिनिस्ट्रेटर, admin एडमिनिस्ट्रेटर। फिर मैं पासवर्ड हमें चाहिए, गेट पासवर्ड में जाइए, ब्राउज कीजिए, ब्राउज में जाके आपका पासवर्ड है क्या, वेब WEB वेब पैम फाइल लेता है, ये याद रखिए पैम फाइल लेता है। फिर सिलेक्ट किया मैंने, डिस्क्रिप्ट किया मैंने इसको। उसके बाद ये है आपका पासवर्ड, इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी, और यहाँ पर जाके पेस्ट, ठीक है, और रिमेम्बर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम डालना बनाना पड़े। लेकिन हम लोग इसका पासवर्ड भी चेंज करेंगे, आप देख लीजिए कैसे पासवर्ड हम चेंज करते हैं। फिर ओके करूँगा मैं, ओके करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। नहीं हुआ, वेरी गुड, नहीं हुआ, पेस्ट, अब कनेक्ट होना चाहिए, ओके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग शायद एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत होगी। फिर से हम लोग टाइप करते हैं admin एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद हम लोग पासवर्ड को जो भी है उसको कॉपी करते हैं, पासवर्ड हमारा ये कॉपी हो गया। फिर हम लोग इसको करेंगे पेस्ट और फिर सीधा ओके, ठीक है, ये हमारा पेस्ट कर दिया हमने, सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे फिर से, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, पेस्ट नहीं हो रहा,
इसको हम कॉपी करते हैं, फिर से राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट, फिर इसके बाद यहाँ पर ओके डालेंगे। ओके डालने के बाद हमारा ये आ गया, यहाँ पर डोंट कर दीजिए, यस कर दीजिए, बात खत्म, आपका ये लॉगिन हो रहा है। ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितना आप हायर वर्जन लोगे उतना आपको लोडिंग होने में टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं हम लोग, अब देखते हैं हमारा होता नहीं होता। ठीक है, हाँ हो जा भाई, हो जा, जल्दी हो जा, टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब इसका पहले पहले तो हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं, ताकि हम लोग बार बार कॉपी पेस्ट ना कर सकें, करने की मोहलत ना आए, ज़रूरत ना पड़े हमें। ओके ओके, यूज़र में जाऊंगा, पहले मैं स्टार्ट में जाऊंगा, कंट्रोल पैनल, फिर उसके बाद यूज़र आ गया। यूज़र में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज योर विंडोज़ पासवर्ड, में मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर मैं करूँगा चेंज योर पासवर्ड, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया था। बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एक बार जो आपने फर्स्ट टाइम जो कनेक्टिविटी के समय कॉपी किया था वही आपको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाके अपना पासवर्ड दे दीजिए, तो फिर मैं अपना पासवर्ड देता हूँ admin@1234, admin@1234, मैंने ये दे दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, अब मेरे को पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है। हाँ, जो भी आप पासवर्ड चेंज करोगे वो एक बार किसी नोटपैड में आप लिख लेना, ताकि आपको याद रहे अगर आपने अलग पासवर्ड दिया है तो। उसके बाद सबसे पहले हम लोग सर्वर मैनेजर में क्लिक करेंगे, ये आपका सर्वर मैनेजर होता है ये, इसमें मैंने क्लिक किया, इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया हमारा, उसके बाद रूल्स में जाएंगे, रूल्स में जाके थोड़ा वेट करेंगे। ये आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या करता है ये, कि जितने भी आपकी जैसे सर्विस आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है, DNS है, DHCP है, जितनी भी सर्विस है वो सब पहले ये देखता है कि आपका कौन कौन सा डाटा है। तो तब तक के लिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही आपका कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऐड रूल में क्लिक करेंगे, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं इसका। ठीक है, तो फिर ये ऐड रूल आ गया, ऐड रूल में मैंने क्लिक किया, फिर मैं करूँगा नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा वेब सर्विस। ठीक है, वेब सर्विस, वेब सर्वर हमें क्लिक करना है, IIS, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद नीचे आइए, नीचे में सिक्योरिटी ढूंढिए, सिक्योरिटी के फर्स्ट थ्री जो भी है उसको आप चेक करना है। आपका बेसिक आ गया, बेसिक ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन, और ये आपका डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन। आपको क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। अब थोड़ा वेट करते हैं हम लोग इंस्टॉल होने का, तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लो या फिर क्लोज कर लो, आपकी मर्जी है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ भाई, क्लोज हो जा। क्लोज किया मैंने, क्लोज करने के बाद मैं जाऊँगा नीचे स्टार्ट में, स्टार्ट में माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में सी ड्राइव, सी ड्राइव में ये आपका लिखा हुआ है INETPUP, इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये आपका जब IIS जब इंस्टॉल होता है तब ये फोल्डर बनेगा, इसमें मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद WWW रूट में जाऊँगा, यहाँ पर जाके आपका लिखा हुआ है IIS स्टार्ट, इसको मेरे को करना है कन्वर्ट। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आपका ऑल्ट और एफ, ऑल्ट और एफ क्लिक करूँगा तो ये आपका मेन्यू खुल जाएगा। इसमें मेरे को टूल्स में जाना है, अब मेरे को जाना है फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन में व्यू में, व्यू में शो ऑल हिडन फाइल्स, इसमें मेरे को पहले तो फर्स्ट ऑप्शन हाइट एम्प्टी ड्राइव में क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन एक्सटेंशन मेरे को दिखाए कि क्या एक्सटेंशन है। ओके अप्लाई किया मैंने, ओके किया, अब यहाँ पर जाके मैं इसको रिन्यू करूँगा, रिन्यू करने के लिए राइट क्लिक करके रिन्यू या फिर F2 दबाइए, रिन्यू हो जाएगा। इसमें मैं लिखूँगा INDEX इंडेक्स, index.html करना है हमें बस, एंटर मारा मैंने, यस किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ, यहाँ पर मैं प्लस में क्लिक करूँगा, नोटपैड में खोलूँगा, और जो ये खुला हुआ है कोड इसको मैं कंट्रोल ऑल करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा तो कंट्रोल ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट मारा मैंने, और मैं इसमें लिखूँगा HELLO, हेलो
WINDOWS विंडोज, हेलो विंडोज, मैंने क्लिक किया और इसको मैं करूँगा सेव। ठीक है, कंट्रोल एस दबाएंगे आपका सेव हो जाएगा। फिर मैं क्लोज करूँगा, मिनिमाइज, एक काम हो गया मेरा। दूसरा काम है मेरा, स्टार्ट में जाऊँगा, एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पर ये आपका ये इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पर IIS में क्लिक करूँगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इसमें क्लिक करूँगा, ये आपका सर्वर है, लोकल सर्वर, इसमें मैं करूँगा क्लिक। प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड आ गया, साइड में मैं क्लिक करूँगा, साइड में क्लिक करने के बाद प्लस में क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट सर्वर आ गया। डिफ़ॉल्ट सर्वर में मेरे को जाना है डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डबल क्लिक किया, यहाँ पर मेरे को HTML ढूंढना है, index.html, ये रहा मेरा, इसको मैं करूँगा मूव अप, यस, और इसको मूव अप करूँगा, ये मेरे टॉप में आ गया, इसमें राइट क्लिक करूँगा और क्लोज करूँगा, इतना सा काम करना है। उसके बाद पहले मैं टेस्ट करूँगा, दो तरीके से मैं टेस्ट कर सकता हूँ, पहले मैं लोकली टेस्ट करता हूँ, लोकली टेस्ट करने के लिए स्टार्ट में जाऊँगा, इंटरेस्ट फोर में मैं नहीं जाता, पहले मैं एक और बताता हूँ आपको, कंट्रोल पैनल में जाओ, आप कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम में जाओ, जहाँ पर इंस्टॉल करते हैं हम लोग कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं चाहूँगा टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ, इसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, नीचे आपको सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, सर्वर मैनेजर में क्लिक करूँगा, सर्वर मैनेजर में क्लिक करने के बाद नीचे सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्फ़िगर IE स्केप, यहाँ पर मैं करूँगा इसको पहले ऑफ, ताकि मैं कोई भी साइट खोलूँ तो उसमें मेरे को बार बार पूछे ना कि इसको ऐड करो सिक्योरिटी रीज़न के लिए, तो मैं इसको ऑफ करूँगा पहले। ओके किया मैंने, ओके करने के बाद इसको राइट क्लिक करके मैंने इसको क्लोज़ किया, अब इसको भी मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं खोलूँगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्टार्ट में गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब मैं कोई भी साइट खोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम पूछता है आपको, डोंट कर दो, आपको डोंट यूज़ में क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है http://, और लोकल होस्ट और एंटर, इससे आपको पता चलेगा कि आपका साइट चलना नहीं चल रहा है लोकली, ये आपका लोकल है, हेलो विंडोज़ चल रहा है हमारा, ओके। इसको मैं क्लोज़ करूँगा, मिनिमाइज़ करूँगा, इसको मैं क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करने के बाद विंडोज़ के पब्लिक IP को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और नए में इसको देखता हूँ, पेस्ट एंड गो, तो मेरा यहाँ पर लिखा होना चाहिए विंडो हेलो विंडोज़, आ गया हेलो विंडोज़, और ये मेरा लाइनेक्स का है, हेलो लाइनेक्स, ओके, मेरे दो हो गए, दोनों मेरा वेब चल रहा है, मैंने देख लिया। अब मैं ELB में जाता हूँ, ELB में मैं गया, ELB में पहले से क्रिएट करके रखा था, इसको मैं ऊपर करता हूँ और इंस्टेंस में जाता हूँ, ये इन सर्विस आना चाहिए मेरा, ठीक है। अब हमारा विंडोज़ है आउट ऑफ सर्विस, इसको थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि अभी भी हमने क्रिएट किया है, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, बाबा एक बार देख लीजिए रिफ़्रेश करके, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होता, एक बार रिफ़्रेश करके हम देखते हैं, रिफ़्रेश किया मैंने, आउट ऑफ सर्विस आ रहा है, वेट करते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा आ गया सर्विस, ठीक है। सर्विस में आने के बाद हम जाते हैं, इसको अप करते हैं पहले, फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारा ये हरा है IP, तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं पहले, उसके बाद चेक करते हैं, प्लस में क्लिक कीजिए, नया टैब खुलेगा, पेस्ट एंड गो, पेस्ट एंड गो में हमने क्लिक किया तो हम देख सकते हैं हमारा हेलो लाइनेक्स आ गया, रिफ़्रेश किया मैंने, हेलो विंडोज़ एंड हेलो लाइनेक्स, ये हमारा दोनों काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमें एक ही ELB में दो इंस्टेंस डिफरेंट, एक विंडोज़ और एक लाइनेक्स को कैसे रन करना है। ओके गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।